आज का टॉपिक है एडमिन पैनल बनाना। एडमिन पैनल को बैक एंड भी कहते हैं। वेबसाइट में मेनली दो पार्ट होता है, एक तो फ्रंट एंड होता है जहाँ विजिटर आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, लॉग इन, प्रोफाइल, ये सब सिस्टम, पेजेस को व्यू करते हैं। और जो एडमिन पैनल जो बैक एंड होता है वो वेबसाइट के ओनर संभालते हैं, जहाँ से डेटा मैनेज किया जाता है, जैसे प्रोडक्ट एड करना, एडिट करना, मेंबर एडिट करना, एड करना हो गया, और बहुत सारे मैनेजमेंट जो होते हैं वेबसाइट का वो सब एडमिन पैनल में दिया जाता है, ये ओनर एक्सेस करते हैं। तो इसलिए एडमिन पैनल होना चाहिए कोई भी डायनेमिक वेबसाइट में। तो एडमिन पैनल हम बनाएंगे और उसके लिए एक पहले हम टेबल बनाएंगे एडमिन नाम से, क्योंकि एडमिन को हमें लॉग इन करवाना है, तो किस टेबल से करवाएंगे, तो एक टेबल होना चाहिए हमारे पास। पहले हमारे पास एक मेंबर्स टेबल था जो हम नॉर्मल यूजर को यहाँ से लॉग इन रजिस्टर करवाते थे, एडमिन के लिए अलग टेबल होना चाहिए। तो इसलिए हम अपने डेटाबेस में आएंगे और यहाँ पे टेबल का नाम और फील्ड, हमने कॉलम नेम तीन डिसाइड किया है, ए आई डी प्राइमरी आई डी हो गया, ए फॉर एडमिन तो एडमिन आई डी, और यूजर नेम पासवर्ड, तो नंबर ऑफ कॉलम्स तीन हो गए उनको। तो नेम हमने दिया ए आई डी, फिर यूजर नेम पासवर्ड, ए आई डी इंटीजर होगा, यूजर नेम भैर कर, पासवर्ड भैर कर, यूजर नेम 20 कैरेक्टर, 20 लेंथ, पासवर्ड भी 20। फिर ए आई डी को हमें इंडेक्स प्राइमरी सेट करना होता है और ए आई मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट को चेक करना होगा। सेव, टेबल बन चुका है इस तरीके से। अब एक चीज यहाँ सोचते हैं, जैसे मेंबर्स का जो रिकॉर्ड्स है मेंबर टेबल में, ये सब तो रजिस्ट्रेशन पेज से आया था, बट एडमिन के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन पेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडमिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक दो ही यूजर होंगे, तो उसका रिकॉर्ड हम आगे से फिल कर देते हैं सिंपली समझकर, यहीं से इंसर्ट कर दिया जाता है। तो मैंने इंसर्ट किया, बाय डिफॉल्ट दो रिकॉर्ड डालने का ऑप्शन खुलता है, ए आई डी ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, वो ऑटोमेटिक कर देगा। यूजर नेम में मैंने एडमिन दे दिया, पासवर्ड में सिंपल सा एडमिन दे दिया, गो। अब इसका हमने रिकॉर्ड नहीं डाला, वो अपने आप इग्नोर हो जाएगा, गो करते हैं। इंसर्ट हो गया है, ब्राउज करके देख सकते हैं। इस तरीके से यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन आ रहा है। तो टेबल हमने बनाया और टेबल के अंदर एक वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया वहीं से। अब फाइल्स में जाएंगे, वहां पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है एडमिन, ताकि हमारे वेबसाइट में आएगा कोई और यहाँ पे स्लैश एडमिन करके एंटर दबाने से वो खुलना चाहिए। तो इसलिए एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर एक इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल बनाएंगे, ताकि एडमिन एंटर दबाते ही ये फाइल ऑटोमेटिकली लोड हो जाए और उसी इंडेक्स में लॉग इन का कोडिंग होगा, ताकि सबसे पहले हम लॉग इन पूछेंगे एडमिन में जाने के टाइम में। तो हम अपने प्रोजेक्ट फाइल में चलते हैं और यहीं पे एडमिन नाम से एक फोल्डर बनेगा। एडमिन के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी, हेडिंग दे दिया हमने एडमिन लॉगिन। अब इसमें यहाँ पे हम कोडिंग डालने वाले हैं, फ्रंट एंड में जो हमने लॉगिन का बनाया था वही कोडिंग डालेंगे और एडिटिंग कर देंगे जो जो चाहिए। तो फाइल मैंने खोल लिया जो फ्रंट एंड में हमने बनाया था, और सिर्फ ये अंदर वाला कोडिंग लाएंगे फॉर्म के साथ, इतना। टेम्पलेट पार्ट नहीं लाएंगे, टेम्पलेट पार्ट जो ऊपर नीचे है उसको छोड़ दिया, इतना कॉपी किया हमने, और एडमिन का इंडेक्स डॉट पी एच पी में यहाँ पेस्ट करते हैं। अब
रीनेम करते हैं, हमने एडमिन में डिसाइड किया था यूजर नेम पासवर्ड, तो फॉर्म में यूजर नेम नेम हो गया, यूजर नेम पासवर्ड है ऑलरेडी। अब ऊपर चलते हैं, ये फिर से ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम, फिर यूजर नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम अभी हमारे लिए एडमिन हो गया, वेयर यूजर नेम डॉलर यूजर नेम पासवर्ड पासवर्ड काउंट ठीक है, रो ठीक है। अब यहाँ पे ए आई डी है हमारे पास, प्राइमरी आई डी एडमिन टेबल में, तो ए आई डी हमने यहाँ नाम दिया और सेशन का भी ए आई डी नाम दे दिया। और रीडायरेक्ट हम कर रहे हैं एडमिन के अंदर डैशबोर्ड वाली पेज में, जिसका नाम हमने सोचा होम डॉट पेज पे, तो ये सब फाइल होना चाहिए अभी बनाएंगे हम। और एक और चीज है इसमें कि डेटाबेस का कॉन्फ़िग फाइल इसमें कॉल नहीं हुआ, लॉगिन फाइल जो था फ्रंट एंड का उसमें ऑलरेडी टेम्पलेट कॉल हो रहा था हेडर डॉट पीएचपी और हेडर डॉट पीएचपी में कॉन्फ़िग, तो इसलिए उसको डेटाबेस कनेक्शन मिल रहा था। बट ये हमारा इंडिपेंडेंट फाइल है, तो यहाँ पे हम मैनुअली कॉन्फ़िग फाइल को कॉल करेंगे ऐसे इंक्लूड और डॉट डॉट स्लैश होगा, इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ। और फोल्डर का नाम इंक्लूड्स और फाइल का नाम कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी। हमारा ये जो फाइल है इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये हम एडमिन के अंदर है यहाँ पे, तो जो कॉन्फ़िग फाइल है वो इससे एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एडमिन में है तो एक स्टेप पीछे फोल्डर जाने के लिए यहाँ डॉट डॉट स्लैश देना होता है, और अगर दो स्टेप पीछे भी रखा हुआ होता है तो फिर से डॉट डॉट स्लैश देना होता है। तो ये हमारे केस में यही है, तो एक स्टेप पीछे यहाँ पे आ गया, फिर ये रहा फोल्डर का नाम जो मैंने दिया है इंक्लूड्स, उसके बाद फाइल का नाम कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी। तो डेटाबेस का कॉन्फ़िग फाइल कॉल हो गया होगा, आउटपुट इसका देखते हैं, एडमिन इंटर दबाकर ये आ रहा है। अब इसमें अगर हम यूजर नेम पासवर्ड इसमें सेव आ रहे हैं हमारे में, बट कुछ अलग डालकर देखते हैं एरर का, इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। अब यूजर नेम पासवर्ड एडमिन पासवर्ड भी एडमिन जो हमने डाला था तब, तो होम डॉट पी एच पी में रीडायरेक्ट होना चाहिए और वो फाइल अभी नहीं है हमारे पास, तो वो फाइल होना चाहिए। तो एडमिन में एक बेसिक सा थीम चाहिए हमें, जैसे फ्रंट एंड में हमने थीम डाउनलोड किया था, ये थीम हमने डाउनलोड किया था फिर इम्प्लीमेंट किया था, बट एडमिन में इसी तरीके से एक बेसिक थीम चाहिए जिसमें खासकर लेफ्ट साइड में मेनू होंगे एडमिन का एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पे एक पेज होगा। तो इस तरीके से HTML में एक एडमिन थीम बना सकते हैं आप, या नेट से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो हमने पहले से एक HTML एडमिन के लिए बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके रखूंगा अभी। अब ये PHP कोर्स है तो इसमें HTML का हम कोडिंग नहीं करेंगे, HTML का पार्ट हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक बेसिक एडमिन का थीम पहले से बनाया हुआ था, तो इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। तो हम अपने एडमिन में जा रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तीन चीजें हमारे पास है, एक तो स्टाइल डॉट सी एस एस, इसमें सभी सी एस एस होंगे इस तरीके से, उसके बाद होम डॉट पी एच पी, होम डॉट पी एच पी ब्लैंक है, जो जो हमें काम पड़ेगा वो बनाएंगे हम यहाँ पे। अब इसी होम डॉट पी एच पी में एक फाइल इंक्लूड है, इंक्लूड्स फोल्डर लेफ्ट डॉट पी एच पी, तो ये इंक्लूड्स फोल्डर एडमिन का ही इंक्लूड्स है, फ्रंट एंड का नहीं है यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने लेफ्ट डॉट पी एच पी डाला है, जिसके अंदर हमने मेनू बनाया है, तो इसका आउटपुट देखने के बाद समझ आएगा ये चीज, जैसे प्रोडक्ट लिस्टेड कैटेगरी लिस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिस्टेड लिंक भी दिया हुआ है।
तो ये हम लिंक रहने देंगे ताकि हमें क्या क्या इस प्रोजेक्ट में काम करना है ये सब पता होगा, और इसको मॉडिफाई करना आसान है। जैसे आपको कोई और नया लिंक चाहिए तो एक पार्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कॉपी किया और पेस्ट किया, ऐसे नाम ऑर्डर दे दिया जो आपको रिक्वायरमेंट हो, लिस्ट एड ज़्यादातर कॉमन चीज़ें होते हैं। अब फाइल का लिंक आपको जो चेंज करना है वो कर सकते हैं, तो यहाँ ऊपर आ जाना चाहिए ऐसे, तो फिर अंडू कर देता हूँ इसको। अब lib.php में ये जो कॉल हो रहा है ये फ्रंट एंड का कॉन्फ़िग फाइल, ताकि एडमिन के अंदर जितने भी पेजेस हम बनाएंगे वो एडमिन का lib.php के थ्रू फ्रंट एंड का डेटाबेस कॉन्फ़िग फाइल कॉल हो जाए, ताकि डेटाबेस का सारा काम हो। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक एडमिन पैनल सेटअप किया, बट एडमिन का लॉग आउट अभी आई थिंक बाकी है, logout.php फाइल नहीं है। तो फ्रंट एंड में हमारे पास जो logout.php था उसको कॉपी करके एडमिन में डाल देते हैं और फिर ओपन करके देखते हैं कोडिंग, ये ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय है और लोकेशन index.php, तो ये एडमिन का ही index.php में रिडायरेक्ट करेगा क्योंकि अभी admin.php मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से हो रहा है, फिर लॉगिन करेंगे तो एडमिन में पहुंच गए, लॉग आउट करेंगे तो एडमिन का होम पेज में। इसमें एक और पॉइंट क्या चीज है, जैसे कोई यूजर अभी डायरेक्ट admin/home.php टाइप करेगा बिना लॉगिन किए तब भी खुल जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा कोडिंग रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं किया है कहीं पे भी। home.php ऐसे खोल कर देख सकते हैं ये है, और होम में lib.php कॉल हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि चेक करें यूजर लॉग इन है कि नहीं। तो एक बेसिक एक्सेस कंट्रोल करने के लिए यहाँ हम छोटा सा काम कर सकते हैं। अब एडमिन लॉग इन है या नहीं सेशन से ही पता होगा, तो इफ इसेट $_session AID, तो इफ इसेट सेशन AID मतलब एडमिन लॉगिन है, तो यहाँ डू नथिंग, और या तो डायरेक्ट यहाँ पे नोट लगा सकते हैं एक्सक्लेमेशन कि क्या यूजर लॉगिन, क्या सेशन AID सेट नहीं है, तो नहीं है तो हमें रीडायरेक्ट कर देना है, इस पेज को नहीं खोलने देना है। तो लोकेशन होम पेज में भेजने के लिए एडमिन का होम पेज नहीं, एडमिन का index.php मतलब जहाँ से लॉगिन होता है, अब इसको चेक कर सकते हैं। तो अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये क्वेरी ट्रू हो जाएगा क्योंकि मैं लॉगिन नहीं था, तो रीडायरेक्ट करना चाहिए आगे index.php में। तो इस तरीके से मैनुअली टाइप करके हम नहीं जा सकते हैं कोई भी, अब लॉगिन होना ही होगा हमें, ठीक है। अब जैसे ये टैब बंद कर दिया हमने, अब दोबारा इसको हमने खोला इधर, तो खुलना चाहिए क्योंकि हम लॉगिन थे, बट एक बार लॉग आउट हो गए, अब अगर खोलेंगे तो नहीं खुल रहा है home.php, तो ठीक है। इस तरीके से हमने एक एडमिन पैनल का सेटअप किया, इसमें काफ़ी सारा काम होगा, वो नेक्स्ट क्लासेस में होगा।